लखनऊ कमिश्नरेट का चला हंटर, छेड़खानी के मामले में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, दो बहनों के साथ छेड़खानी का था मामला, लापरवाही बरतने के आरोप में फंसे प्रभारी निरीक्षक ककोरी और उप निरीक्षक, जितेंद्र बहादुर सिंह और अभिमन्यु कुमार पर लिया गया एक्शन, लखनऊ कमिश्नरेट का चला हंटर, छेड़खानी के मामले में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, दो बहनों के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया था। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, पीएम मोदी दोपहर 2 बजे एलटी कॉलेज पहुंचेंगे, अक्षय पात्र माध्यम भोजन रसोई का करेंगे उद्घाटन, करीब 2:45 अखिल भारतीय शिक्षा समागम पर 1800 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास उद्घाटन। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, पीएम मोदी दोपहर 2 बजे एलटी कॉलेज पहुंचेंगे, अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का करेंगे उद्घाटन, दोपहर 2:45 अखिल भारतीय उद्घाटन शिक्षा समागम, 1800 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास व उद्घाटन। अलीगढ़ से चौकी बड़ी का सरेआम बाजार में 2 गुटों में जमकर फायरिंग में दुकानदारों में मचा हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस को देखकर गाड़ी सवार दोनों गुट हुए फरार। बिसवा थाना क्षेत्र के कस्बे की घटना। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सरेआम बाजार में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है, फायरिंग में दुकानदारों में मचा हड़कंप, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस को देखकर गाड़ी सवार दोनों गुट हुए फरार। सावा थाना क्षेत्र का कस्बे का मामला है। लखनऊ पल्लवी पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ी, वेदांता अस्पताल में पल्लवी को कराया गया भर्ती, वेदांता के आईसीयू वार्ड में पल्लवी पटेल को रखा गया, कल अपने आवास पर बेहोश हो गई थी पल्लवी। पल्लवी को ब्रेन हैमरेज की शिकायत बताई जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, पल्लवी पटेल को अचानक तबीयत बिगड़ी है, वेदांता अस्पताल में पल्लवी को भर्ती कराया गया, वेदांता के आईसीयू वार्ड में पल्लवी पटेल को रखा गया है। मुरादाबाद में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, सोशल मीडिया पे ऑपरेशन करते डॉक्टर का वीडियो वायरल, ऑपरेशन के दौरान हुई थी मरीज की मौत, फर्जी डॉक्टर ने किया था मरीज का ऑपरेशन, झोला छाप डॉक्टर खुद को बता रहा है सर्जन। मुरादाबाद में निजी अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, सोशल मीडिया पे ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है, ऑपरेशन के दौरान हुई मरीज की मौत, फर्जी डॉक्टर ने किया था मरीज का ऑपरेशन। वृंदावन में होगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा सम्मेलन, महासम्मेलन में शामिल होंगे भाजपा विधायक नीरज वोरा, सीएम योगी को भी औपचारिक आमंत्रण दिया गया, केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में किया गया आमंत्रण। वृंदावन में होगा अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, महासम्मेलन में शामिल होंगे भाजपा विधायक, सीएम योगी को भी औपचारिक आमंत्रण दिया गया, केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में दिया गया आमंत्रण। रायबरेली संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, शव के पास पड़े मिले शराब के पैकेट, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस,
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महेंद्र सिंह के रूप में हुई थी शव की शिनाख्त। लालगंज क्षेत्र के नवरंग मजरे आलमपुर का मामला। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है युवक का शव। शव के पास शराब के पैकेट मिले। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। 1,00,000 रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। बनकटा थाना क्षेत्र के शराब की 8 पेटी पकड़ी गई। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। अवैध अंग्रेजी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। 1,00,000 रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। बनकटा थाना क्षेत्र शराब की 8 पेटियां पकड़ी गई। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इलाज के अभाव में घंटों तड़पती रही पीड़िता। बेड न मिलने पर बेंच पर लेटी रही पीड़िता। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रहे नदारद। ग्राउंड हॉल में लेटकर महिला को लगाई गई ड्रिप। सीएससी का यहाँ लेटी हुई, क्या हुआ है, डॉक्टर मिले? यहाँ नहीं मिले, आशा बहू लेके आई हैं तो हुआ गए हैं जो नर्स हैं उनका दिखाए। अब अपन ऐसी चली गए कहीं बैठो बयाई। तो यहाँ एडमिट नहीं किया, यहाँ लेटी हैं, अब बैठने वाली जगह पे बेटा वो कुछ नहीं बताएंगे, अब कौन जानते हैं तो अपन बैठी हैं। इसके लिए देखिए ये मेरे संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जांच होने की रिपोर्ट जो है ना वहाँ के अधीक्षक साहब से मैंने मांगी, जैसे ही रिपोर्ट आती तो उनके खिलाफ जो है ना आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए? हमेशा देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही देखने को सामने आती है। नहीं बिल्कुल, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई? देखिए ऐसा है कि हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और सब लोगों को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है हमारे ज़िले में। अब अगर आप उनको हटा देते हैं, उनको कहीं अन्यत्र भेज देते हैं तो वहाँ पे कोई काम कैसे करेगा? तो अब उसी व्यवस्था के तहत हमको काम भी उन लोगों से कराना, तो जैसे जांच की रिपोर्ट प्राप्त होती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लगातार मामले सामने, अब ऐसा इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति। इस खबर पर हमारे संवाददाता वीरेन हमारे साथ मौजूद है। वीरेन, पूरा मामला ये क्या है, ये कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है? महिला तड़पती रही, इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल बता दूं कि ये पूरा मामला जनपद अमेठी के बाजार शुक्ल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर एक गर्भवती महिला जाती है और वहां पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो वहीं पे महिला तड़पती रहती है और तड़पते हुए वही जमीन फर्श पे लेट जाती है। जी, इसमें महिला को बाहरी लटा के ड्रिप लगाई गई, ये तो बहुत ही गलत चीज सामने आई है। जी, वहाँ पे काफी परिजनों ने जब हंगामा करने के बाद जब डेढ़ से दो घंटे के बाद वहाँ पे जब डॉक्टर पहुंचे तो वहाँ पे ना तो लाइट की व्यवस्था थी ना पे वहाँ पे बेड की व्यवस्था थी, तो वहीं पे नीचे फर्श पे लिटा के उसको ड्रिप लगा दी गई और महिला वहीं पे तड़पती रही। लेकिन डॉक्टरों की अगर देखी जाए तो अमेठी जनपद में भारी लापरवाही सामने निकल के आती। आए दिन चाहे वो जगदीशपुर सीएससी हो या बाजार शुक्ल की सीएससी हो, आए दिन जो सीएससी के डॉक्टर्स होते हैं वो एक तो ड्यूटी पे नहीं आते और अगर आते भी हैं तो वो अपने ड्यूटी पे पाए नहीं जाते। डॉक्टर की लापरवाही पे क्या एक्शन लिया गया इस पे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस पे जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की गई तो पता ये चला कि अभी सीएमओ साहब ने अमेठी जनपद में चार्ज नहीं लिया है, तो वहीं पे एसीएमओ मिले तो उन्होंने बताया कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ की जा रही है। खाली कार्रवाई करने की बात कही गई कि वाकई में कार्रवाई करी भी गई है, कुछ आपके सामने आया ऐसा कुछ जानकारी मिली आपको? जी मैं उनको बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि उनको जब बताया गया, उनको वीडियो दिखाया गया कि आपके अमेठी में सीएससी में ऐसे भारी, तो उन्होंने यही कहा आगे से ऐसा भविष्य नहीं होगा, डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
एसीएमओ ने एक्शन क्या लिया, इसका संज्ञान लेकर उन्होंने क्या कार्रवाई की है, कुछ आपको आपने उनसे बात करी इस पे? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जब वहाँ पे हम गए सीएमओ एसीएमओ से बात करने के लिए, तो एसीएमओ ने यही कहा कि डॉक्टरों की जांच बैठा दी गई है और जांच बिठाने के दरमियान अगर डॉक्टर की लापरवाही सामने निकल के आती है या डॉक्टर वहाँ पे जिस तरीके से महिला ब्लेम लगा रही है, अगर कहीं ना कहीं डॉक्टरों के ऊपर एक एक्शन लेने की जरूरत है, लिया जाएगा, उन्होंने कहा। अमेठी से वीरेंद्र तिवारी जी, आपका इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता आज शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक के बाद प्रेस वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे आज शाम 5:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होगी प्रेस वार्ता, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक के बाद प्रेस वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस वार्ता करेंगे आज, ये प्रेस वार्ता 5:30 बजे सपा कार्यालय पर होगी। गाजियाबाद में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के सेवाधाम चौकी का मामला है ये, पथराव में कई पुलिसकर्मियों को लगी चोट, दो पक्षों में हुई थी मारपीट। पुलिस के समझाने पर भी नहीं मान रही है भीड़, सड़क पर चलने वाले लोगों को भी लगी चोट। गाजियाबाद में भीड़ ने पुलिस पे किया पथराव, थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के सेवाधाम चौकी पर पथराव, पथराव में कई पुलिसकर्मियों को लगी चोट, दो पक्षों में हुई थी मारपीट। मामले में पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना रही थी भीड़। इस खबर पर गाजियाबाद से हमारे कानपुर बिल्डर वसी ने जेल में बिताई रात, क्राउड फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ था बिल्डर वसी, बेटे के साथ एक ही बैरक में रखा गया है वसी को। मामले में अब तक 98 लोगों की गिरफ्तारी, मुख्तार बाबा के भाई की अग्रिम जमानत नहीं मिली। हयात सफर समेत 51 मामले पर पड़ी, कानपुर हिंसा से जुड़ा मामला ये सामने है। बिल्डर वसी ने जेल में बिताई रात, इस खबर पे हमारे साथ कानपुर से उपेंद्र जुड़ चुके हैं, इसमें क्या अपडेट आया उपेंद्र? मामला था जो बिल्डर वसी को कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, वो जफर आजमी का बहुत करीबी था और उसके बाद इस पूछताछ के दौरान जब इसको वहां से लाया गया था कैंट थाने में, उसने जो है अपनी बातें बताई वहां पे, उसका साफ कहना था कि चाहे जितना बड़ा नेता हो, जितना बड़ा अधिकारी हो, जिसको लाना मेरे सामने ले आओ, मैंने कहीं ना कहीं सबको काला धन दिया है। और उसके बाद जेल जाने के बाद जो जफर का जो वसी है, वसी ने जो है कई नाम जो 6 से 7 जो है बिल्डर्स को नाम ओपन किए हैं, उसके बाद जो लगातार एटीएस की टीम है उन्होंने दबिश जारी कर रखी, जिसमें जहां तक सूत्रों से खबर आ रही है कि 2 से 3 बिल्डर्स को पुलिस ने भी उठा लिया है। इस खबर पे उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश, बकरीद को लेकर सीएम ने दिए निर्देश, विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए कुर्बानी।
कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर जुलूस आपस में ना टकराएं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। बकरीद को लेकर सीएम ने दिए दिशा निर्देश। विवादित जगहों पर नहीं होनी चाहिए कुर्बानी। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का जुलूस आपस में ना टकराए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा कल राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों के साथ मांगेंगी वोट। सीएम योगी की मौजूदगी में द्रौपदी मुर्मू मांगेगी वोट। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का लखनऊ दौरा कल राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू एनडीए दलों के सदस्यों से मांगेंगी वोट। अब्दुल्ला आजम से आज फिर ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। ईडी दफ्तर में अब्दुल्ला आजम से कल भी हुई थी पूछताछ। कल पूछताछ के बाद बोले अब्दुल्ला आजम खान, जब भी ईडी बुलाएगी हम आएंगे अब्दुल्ला आजम। ईडी ने लंबे सवाल किए, मैंने जवाब दिए। अब्दुल्ला आजम से आज फिर ईडी दफ्तर में होगी पूछताछ। कल पूछताछ के बाद बोले अब्दुल्ला आजम। कल पूछताछ के बाद बोले अब्दुल्ला आजम, जब भी ईडी बुलाएगी हम मौजूद होंगे। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु लखनऊ से मौजूद है। विभांशु, जौहर यूनिवर्सिटी को लेके अब्दुल्ला आजम को जो तलब किया गया, उसमें क्या अपडेट्स हैं? जी मनीष जी, आपको बताएं कि अब्दुल्ला आजम को कल ईडी के दफ्तर में तलब किया गया था। इससे पहले जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें उसके तमाम जो केस चल रहे उसके ऊपर, उसी मामले को लेकर रामपुर में पहले ही ईडी की टीम जाकर अब जौहर यूनिवर्सिटी से जो दस्तावेज है उसको इकट्ठा कर चुकी है। साथ ही जब सीतापुर जेल में आजम खान बंद थे तो ईडी की टीम सीतापुर जेल जाके उनसे पूछताछ की थी। उसी क्रम में अब उनके आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को कल ईडी के दफ्तर में लगभग 6 घंटे पूछताछ की गई और 6 घंटों में सैकड़ों सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब से सवाल बनाकर आजम अब्दुल्ला से पूछे गए। और आज आपको बताएं कि कल आजम खान जब ईडी के दफ्तर से निकलते हैं तो सूचना मिलती है कि कल फिर इन्हें बुलाया गया है और जल्द ही जो आजम खान की बीवी है तंजीम फातिमा, उनको भी ईडी के दफ्तर में तलब किया गया है, जल्द ही वो भी पेश होंगी। इन तीनों के बयानों को जब पेश हो जाएंगे तो तीनों के बयानों को एक साथ रख के मिलाया जाएगा, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो आज लगभग 1 बजे के करीब फिर अब्दुल्ला आजम ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। जी मनीष जी, विभांशु, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो